बड़ी खबर है। चौरी चौरा समारोह में पीएम मोदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति का आधार किसान है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी, महामारी की चुनौतियों के बीच भी कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा है, मंडियों को किसानों को फायदे का बाजार बनाया जा रहा है, 1000 और मंडियों को ई नैम से जोड़ा जाएगा, मंडी में किसान को फसल बेचने में आसानी होगी, वो अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकेगा। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की प्रगति का आधार किसान है, मंडियों को किसानों के फायदे का बाजार बनाया जा रहा है, 1000 और मंडियों को ई नैम से जोड़ा जाएगा और मंडी में किसान को फसल बेचने में आसानी होगी। ये किसानों पर उनकी बात का लबोलुआब था। प्रधानमंत्री ने जो आज चौरी चौरा के कार्यक्रम में जुड़कर कही बातें, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। साथियों, हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में से में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बिजनेस में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। प्रधानमंत्री की बात आपने देखी। गोरखपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आगाज हुआ। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, बरेली और आगरा की तस्वीरें, 6 तस्वीरें। गोरखपुर, मेरठ, बरेली और दूसरे शहरों की तस्वीरें आपने देखी। चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का आगाज हो गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भी वर्चुअल माध्यम से शिरकत की। ये देखिए आप 6 तस्वीरें। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की, अपने संबोधन के दौरान शहीदों को उन्होंने याद किया। दूसरी तस्वीर सीएम योगी के संबोधन की, चौरी चौरा के शताब्दी समारोह के दौरान देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीरों को उन्होंने नमन किया। तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान डाक टिकट जारी किया, शहीदों को नमन किया। शताब्दी समारोह का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ है। इस दौरान एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, इसमें वीरों के बलिदान का जिक्र था। चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर गोरखपुर के साथ साथ पूरे यूपी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाकर शहीदों को याद किया। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को नमन किया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था, अनेक वजहों से। पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया, लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है,
वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। आज वहीं सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि चौरी चौरा की घटना ने अंग्रेजों को बड़ा संदेश दिया था। वहीं सीएम योगी ने हर जिले में कार्यक्रम के आयोजन की बात कही। चौरी चौरा की इस शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के डाक टिकट जारी करने उनके मार्गदर्शन के साथ सायकालीन सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन, प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम और उसके उपरांत प्रत्येक शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आज के प्रत्येक शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।